ETOP Vishleshan, ETOP Analysis for Class BCom 1. ETOP Vishleshan से अभिप्राय यह है कि वातावरणीय चुनौतियाँ व अवसर का विश्लेषण, Analysis of Environmental Threat and Opportunities. ETOP Vishleshan SWOT Vishleshan का ही एक भाग है. SWOT Vishleshan में शक्ति, कमजोरी, अवसर व चुनौती का विश्लेषण किया जाता है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. ETOP विश्लेषण में चुनौती व अवसर का विश्लेषण किया जाता है. इसके अंतर्गत व्यावसायिक वातावरण के बाह्य घटकों के कारण उत्पन्न हुए अवसर व चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है. व्यावसायिक वातावरण, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, यह कभी भी एक जैसा नहीं रहता, अर्थात स्थिर नहीं रहता. यह व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न संघटकों में आए परिवर्तनों के कारण निरंतर बदलता रहता है. इन परिवर्तनों का व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव भी हो सकता है तथा प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है. व्यावसायिक वातावरण में अनुकूल परिवर्तन होने पर व्यावसायिक इकाई को अवसर मिलता है. यदि व्यावसायिक इकाई उचित रणनीति बना लेती है तो इस अवसर से लाभ प्राप्त कर सकती है. व्यावसायिक वातावरण में प्रतिकूल परिवर्तन आने पर व्यावसायिक इकाई को खतरा भी हो सकता है. यदि व्यावसायिक प्रबंधक उचित रणनीति बनाते हैं तो इस चुनौती के कुप्रभाव से व्यावसायिक इकाई को बचाया जा सकता है. ETOP विश्लेषण के अंतर्गत व्यावसायिक इकाई के बाहरी वातावरण के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करके व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न हुए अवसरों व चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है. इस पूर्वानुमान में व्यावसायिक प्रबंधकों को उचित व उपयुक्त रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त समय व जानकारी मिल जाती है, ताकि व्यावसायिक इकाई अवसरों से लाभ प्राप्त कर सके तथा चुनौतियों के जोखिम से बच सके. ETOP विश्लेषण के निम्नलिखित घटक हैं: नंबर एक, अवसरों का विश्लेषण; नंबर दो, चुनौतियों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एनालिसिस ऑफ थ्रेट्स. हम भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज का भी इवोट व स्वोट के द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं. जैसे भारतीय दुग्ध उद्योग का स्वोट विश्लेषण, स्वोट एनालिसिस ऑफ इंडियन डेयरी इंडस्ट्रीज. सबसे पहले हम उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर एक, दुग्ध उत्पादों की मांग अधिक होने की संभावना है, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं. नंबर दो, शुरू से ही दूध की छवि अच्छी है, अर्थात दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. नंबर तीन, भारत दूध का सबसे बड़ा निर्माता देश है, इससे संगठित क्षेत्र को दूध की अधिक पूर्ति मिलने की संभावना है. नंबर चार, भारत में दूध उत्पादों से संबंधित प्रशिक्षित मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं. नंबर पाँच, दुग्ध उद्योग का प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी बड़ा है, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम आदि. नंबर छः, डेयरी उत्पादकों का बाज़ार बहुत विस्तृत है, क्योंकि दूध व दूध से संबंधित उत्पाद भारत के घर घर में प्रयोग किए जाते हैं. इसलिए भारतीय दुग्ध उद्योग की ये शक्तियाँ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं. वीकनेसेस, कमजोरियाँ. नंबर एक, दुग्ध उत्पाद शीघ्र खराब हो जाते हैं, अर्थात पेरिशेबल होते हैं. नंबर दो, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में
अच्छी सड़कों व यातायात की सुविधाओं के अभाव में दूध को एकत्रित करने में बहुत असुविधा होती है। नंबर 3, दुग्ध उत्पादन बहुत से अनियंत्रित तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे पशुओं का स्वास्थ्य, भौगोलिक वातावरण की दशाएं आदि। नंबर 4, भारत में दुग्ध पदार्थों में ब्रांडिंग का अभाव है, बहुत कम ब्रांड के दूध हमारे देश में मिलते हैं। नंबर 5, पशुओं में संक्रामक रोग होने का डर रहता है। नंबर 6, दुग्ध उद्योग में अनुसंधान व शोध का भी अभाव है। नंबर 7, डेयरी उद्योग में पूंजी एकत्रित करने में काफ़ी रुकावटें भी हैं, ये इस उद्योग की कमजोरियां हैं। अवसर अपॉर्चुनिटीज, डेयरी उत्पादकों के निर्यात की संभावनाएं अधिक हैं। विदेशी व्यापार नीति 2015-20 में डेयरी उत्पादकों के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जैसे अमूल डायरी अपने दुग्ध उत्पादों का बहुत से देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया आदि को निर्यात कर रही है। नंबर 2, नए WTO समझौतों में डेयरी उद्योग के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार की छूट दी गई है। नंबर 3, सरकार ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग, जिसमें डेयरी उद्योग भी शामिल है, में नई इकाई स्थापित करने पर पहले 5 वर्षों के लिए टैक्स हॉलीडे की घोषणा की है। नंबर 4, ग्राहकों की क्रय शक्ति बढ़ने से डेयरी उत्पादों जैसे पनीर, आइसक्रीम आदि की मांग बढ़ रही है। नंबर 5, दुग्ध उत्पादकों के शीघ्र नष्ट होने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए पाश्चराइजेशन की नई तकनीक खोजी गई है। इसके अलावा पशुओं को दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को भी खोजा गया है। नंबर 6, डेयरी उद्योग को लाइसेंसिंग प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है। ये दुग्ध उद्योग की अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं। चुनौतियाँ, थ्रेट्स, डेयरी उत्पादकों को फल, जूस, सोया दूध तथा सॉफ्ट ड्रिंक से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 2, पशुओं में इनफर्टिलिटी की समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 3, पशुओं में बीमारियों का फैलना और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आना, यह भी एक चुनौती है डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नंबर 4, डेयरी उत्पादकों की पैकिंग से संबंधित सख्त प्रावधानों को सरकार द्वारा लागू करना, यह सबसे बड़ी चुनौती जो है वो दुग्ध उद्योग के लिए है। नंबर 5, आज के युवा वर्ग की दुग्ध उत्पादकों में कम रुचि है। भारत में आज का युवा दुग्ध उत्पाद में कम रुचि ले रहा है। नंबर 6, मीडिया में दुग्ध उत्पादकों से संबंधित नकारात्मक समाचार, जैसे यूरिया खाद से दूध बनाना, बीमार पशुओं के दूध के सेवन से होने वाले खतरे के बारे में मीडिया में बताया जाना, यह उनके लिए एक चुनौती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि हम भारत के दुग्ध उद्योग का SWOT एनालिसिस करें तो उसकी स्ट्रेंथ भी हैं, उसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कुछ उसके सामने समस्याएं भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। तो इस प्रकार से हम एक दुग्ध उद्योग का SWOT एनालिसिस कर सकते हैं, उसके आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।